Welcome to Organ India's podcast, New Beginnings, where we bring to life stories of experiences faced by organ donors and recipients to bring awareness about organ donation. In today's episode, we'll be sharing the story about a young man named Anmol Juneja, who got into an accident and ended up donating his organs to 34 people. Anmol was just 20 years old when the incident happened. He was returning home when he was hit by a truck on a flyover. The accident left him seriously injured with a massive blow to the head. He was subsequently taken to the nearest hospital, where unfortunately after 2 days, he was declared brain dead. According to the doctor, only his brain was affected, rest all his organs were fine. This is a story about his father, Madan Mohan Juneja, who had to take the tough decision to donate his organs so that he could go on to save many other lives. So to help us tell his story better, we're joined by his father, Mr. Madan Mohan Juneja. नमस्ते जुनेजा जी, मुझे पता है अनमोल की कहानी फिर से सुनने में आपको थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि जब भी उसके बारे में आप सोचते होंगे तो उसकी यादें आपके दिमाग में वापस आ जाती होंगी। पर मैं और मेरे सारे सुनने वाले आपके बेटे के बारे में और जानना चाहते हैं, और जानना चाहते हैं कि आखिर उसके साथ हुआ क्या और वो कैसा था। तो प्लीज़ अगर आप हमें उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं तो। मेरा अनमोल था तो 20 साल का, बाकी अपनी उम्र से ज़्यादा उसको जीवन का तजर्बा था। हर काम में पंक्चुअल था, परफेक्ट था, जीवन अनमोल ही था, अपने नाम की तरह हूँ अनमोल ही था। तो बोला मैं जा रहा हूँ, फ़ोन आ रहे मेरे दोस्तों के। फिर ये काफ़ी देर तक नहीं आया तो मैंने फ़ोन करा, कहना पापा मैं आ रहा हूँ, आधे वापसी पे हूँ, 5-7 मिनट में। उसके 10 मिनट बाद मेरे को फ़ोन आया कि ऐसे एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी जेब से हमने मोबाइल निकाला है, लास्ट कॉल आपकी है। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोल दिया आप हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल ही आ जाओ। हम हॉस्पिटल चले गए। तो हॉस्पिटल पहुंच के डॉक्टर ने आपको क्या कहा? तो डॉक्टरों ने मेरे को उसी टाइम बोला कि आपका बच्चा डेंजर जोन में है, इसके ब्रेन में कट है, स्वेलिंग है, ब्लीडिंग है, आंखें रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। तो मेरे को एहसास तो हो ही गया था उसी टाइम ही डॉक्टर के वर्ड से ही कि बाजी आज से निकल गई। तीन दिन बाद 10 तारीख को डॉक्टरों ने बताया मेरे को इसके सारे ऑर्गन सही काम कर रहे हैं पर ब्रेन काम नहीं कर रहा। ऑर्गन वर्ड आते ही दिमाग में क्लिक हो गया कि इसके ऑर्गन भी डोनेट करने, आंखें तो करनी थी। डॉक्टर लोग बोलते हैं 34 लोगों को लगाए हम, अनमोल की स्किन भी ली थी, दान करने से बढ़ता है, पुण्य करना चाहिए, सब धर्म ग्रंथों में लिखा है और दुनिया दान करती है। अब शरीर के बारे में कहते हैं लोग कि अगर हम आंखें दान कर देंगे तो अगले जन्म हमें आंखें नहीं मिलेगी। फिर उनसे पूछो अगर जो चीज़ दान करने से नहीं मिलेगी तो फिर अन्न का दान क्यों करते हो, धन का दान क्यों करते हो, फिर अगले जन्म तुम्हें अन्न भी नहीं मिलेगा, धन भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो चीज़ दान कर दोगे अगर तुम्हें नहीं मिलेगी, अगर आंखें नहीं मिलेंगी तो तुम्हें अन्न भी नहीं मिलेगा और धन भी नहीं मिलेगा। दान करना चाहिए। अंकल, अनमोल के साथ जो हादसा हुआ वो काफी दुर्भाग्यशाली था, लेकिन एक चीज है, आपने जो निर्णय लिया उसके अंगों को दान करने का, उसकी वजह से आज 34 जाने बची हैं। अंग दान से ज्यादा कठिन शायद ही कोई कार्य हो सकता है जिससे किसी को दुआएं मिले, और अनमोल को 34 लोगों के परिवारों की दुआएं मिली हैं। The incident that happened with Anmol was really unfortunate, but looking at the silver lining of the situation, he saved the lives of 34 people, to which all the people whose lives he revived and their families have given him their blessing. To conclude this episode, I'd like to thank Juneja ji for being part of this show, and again, thank you for taking the decision to donate Anmol's organs. I hope the people listening have gained some value from this podcast and hopefully enjoyed this episode as well. We have many more such episodes lined up for you guys, so stay tuned and take care. Also, if anyone listening has questions or suggestions about the podcast, please feel free to connect with us on Facebook and Instagram, or mail us at info@organindia.org,
or call us on our toll-free helpline number at 1-800-120-3648.